नमस्ते। हमारी आज की वीडियो दशमानी समूह के नौवे ग्रुप के बारे में है। ये कंठीय औषधियों का ग्रुप है। कंठीय औषधि का मतलब होता है गले के लिए हितकारी औषधि। जो औषधि कंठ या कंठ से जुड़ी या आवाज़ को हितकारी हो या आवाज़ को अच्छा करे, ऐसी औषधि को कंठीय औषधि कहते हैं। इस समूह में 10 औषधि ऐसी है जो कंठ और आवाज़ के लिए बेहतरीन है। आप ज़्यादा औषधियों का इस्तेमाल ना करके इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा का इस्तेमाल करके आप लाभ ले सकते हैं। हमारे व्यूअर कुछ बोलते हैं कि अगर इसका सेवन करना है तो इसकी मात्रा कितनी ली जाए। मात्रा स्वास्थ्य के अनुसार होती है। अगर छोटा बच्चा है या हेल्थ अच्छी नहीं है तो आधा से एक ग्राम से चालू करके 5-10 ग्राम तक मात्रा ली जा सकती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि किस वनस्पति का पत्ता लेना है, पंचांग लेना है, रूट लेना है या कंद लेना है। तो आइए जानते हैं इस 10 के बारे में। इनमें पहला है अनंत मूल। अनंत मूल को उपलसरी सारीवा कहते हैं। सारीवा दमा, खांसी, बुखार आदि रोगों में काम आती है। इसकी जड़ बल बढ़ाने वाली तथा कामोद्गीतक भी होती है। इसकी जड़ का उपयोग कमजोर पाचन, भूख न लगना, त्रिदोष यानी वात पित्त कफ, ल्यूकोरिया तथा दस्त आदि के उपचार के लिए किया जाता है। इसके बाद की औषधि दूसरी शुगर केन, गन्ने का मूल या शेरड़ी का मूल। शुगर केन से शुगर और जैगरी तो बनती ही है। इसके पत्ते 12 मासी उष्णकटिबंधीय घास है और यह पशुओं के लिए एक मूल्यवान चारा है। इसके बाद की औषधि तीसरे नंबर की मुलेठी, इसे यष्ठी मधु या गुजराती में जेठी मध कहते हैं। विशेष रूप से पुरानी एसिडिटी, अल्सर और पुरानी ब्रोंकियल स्थितियों का उपचार इनमें शामिल होता है। इसके बाद नंबर 4 पर है पीपर, पीपली, पाइपर लोंगम, गुजराती में इसे लिंडी पीपर कहते हैं। ये कब्ज से लेकर नींद न आने की बीमारी की समस्या को दूर करती है। अगली वनस्पति है 5वें नंबर की द्राक्ष यानी ग्रेप्स। ये मल त्याग को आसान बनाने और आँखों को ठंडक पहुँचाने में मदद करती है। किशमिश का उपयोग अत्यधिक प्यास, सांस संबंधी समस्या में किया जाता है। इसके बाद 6 नंबर पर है विदारी या विदारी कंद या पाताल कंद। इसे प्यूरारिया ट्यूबरोसा, गुजराती में फुगियो या फुगियो। विदारी कंद में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह कटने, फटने और सूजन में बहुत फायदेमंद होती है। विदारी कंद में कैंसर के बचाव के गुण भी मिले हैं। विदारी कंद की जड़ का चूर्ण ऐसी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। अगली औषधि करी पत्ता यानी स्वीट निम्ब, इसे निम्ब, निम, गुजराती में मीठा लिमड़ा कहते हैं। करी पत्ता सुगंधित पत्तियों है जो करी के पेड़ से आती है। आमतौर पर भारतीय खाना पकाने में अपने अनूठे स्वाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 8वें नंबर पर हंसराज, एडिएटम कैपिलस वेनेरिस। ये गुर्दे की पथरी, मधुमेह, फंगल संक्रमण
थायराइड और श्वसन विकार के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 9 पर और नंबर 10 पर कंटकारी का पौधा है। इसे कंटकारी, भटकटैया या बोरिंगणी कहते हैं। 9वें नंबर पर जो है ये उभी बोरिंगणी है, यानी खड़ी। ये लगभग 7-8 फीट की ऊंचाई वाली होती है। और 10वें नंबर पर जो कंटकारी है ये छातला कंटकारी है, मतलब जमीन पर फैली हुई। बड़ी कंटकारी में फल भी बड़े लगते हैं और छोटी कंटकारी में फल छोटे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।